हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग करने जा रहे हैं, क्लास 11th मैथ्स जो है एनसीईआरटी हिंदी में। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोई पहिया है जो 1 मिनट में 360 डिग्री जो है क्या करता है, घूमता है या परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में वो जो कोण बनाएगा वो डिग्री में कितना होगा। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन हमारा। तो पहिए द्वारा 1 मिनट में जो है बनाया कोण कितना है हमारा, 360 डिग्री। 360 डिग्री तो सॉरी, ये हमारा डिग्री नहीं है, ये कितना रेडियन है, ये हमको किसमें निकालना है, रेडियन में। तो 1 मिनट में बना कोण हमारा कितना हो गया, 360 डिग्री, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो हम लोग 1 मिनट के हैं, या 60 सेकंड में बना कोण हमारा कितना है, 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में बना कोण निकालने के लिए 60 से दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एक एक नियम। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में बना कोण 360/60 डिग्री, ये बराबर क्या हो गया, 6 डिग्री। 1 सेकंड में बना कोण ये हमारा क्या हो गया, 6 डिग्री। तो ये हम लोगों का कोण जो है डिग्री में पता चल गया, हमको क्या चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई बाई जो है 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा 6 × π/180 रेडियन। तो ये 6 × 3 = 18 हो गया हमारा, ये π/30 रेडियन, या इसको हम लोग लिखें पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 नीचे आएगा, 30 रेडियन। ये हमारा हो गया 22/210 रेडियन। और अगर हम लोग जो है 2 से काट दें तो 11 हो गया, और ये हो गया 105, 11/105 रेडियन। ये हमारा आंसर क्या हो गया, 11/105 रेडियन। इसको अगर आप दशमलव में भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, जो पूछा था कि एक जो है मिनट में जो है 360 डिग्री कोण बनाता है, तो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा वो हमको रेडियन में। तो 1 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, तो यानी 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री हो गया, और 6 डिग्री को हम लोग क्या बदल दिए, सीधा सीधा रेडियन में बदल दिए। तो ये हमारा क्या आ गया, 6 डिग्री को रेडियन में बदलना। तो हम लोगों ने क्या किया, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो ये क्वेश्चन हमारा यही है कि 360 डिग्री। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये 360 डिग्री दिया है कि 360 चक्कर। में क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये 360 डिग्री है या 360 चक्कर, क्योंकि 360 चक्कर अगर होगा तो हमारा आंसर बदल जाएगा। तो 1 सेकंड में हम देख लेते हैं क्वेश्चन, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं कि ये 360 डिग्री है या। तीन सौ साठ डिग्री ही है, 360 डिग्री, 360 चक्कर नहीं है बस। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण जो है अंतरित करती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसके लिए हम लोग पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये क्या कह रहा है, जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है, ये 100 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी जो चाप की लंबाई हमारी है वो क्या है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पे कितना जो है डिग्री माप का कोण बनाती है। तो डिग्री माप नहीं, हम लोग पहले क्या मान लेते हैं, ये थीटा रेडियन, बाद में हम लोग रेडियन को जो है डिग्री में बदल लेंगे, क्योंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या हम लोग फार्मूला जब लगाएंगे तो कोण क्या होना चाहिए रेडियन में। तो हम लोग जानते हैं जो कोण होता है, कोण थीटा बराबर चाप एल से डिनोट करते हैं बटा त्रिज्या आर, यानी थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं एल बाई आर, लेकिन ये थीटा किस में रहता है रेडियन में निकलता है। तो थीटा यहाँ से हम लोगों का निकल जाएगा थीटा इक्वल टू एल, एल हमारा क्या है 22 और ये हमारा कितना है 100, तो इतना रेडियन हो जाएगा थीटा बराबर, या 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो 11/50 रेडियन। ये हमारा क्या हो गया रेडियन में हो गया। अब रेडियन को हमको क्या करना है डिग्री में बदलना है, तो 180/π से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11/50 × 180/π ये हमारा क्या हो जाएगा डिग्री। इसको आगे हम लोग बढ़ाएं तो 11/180/50 × π की वैल्यू 22/7, तो 22 नीचे हो गया 7 ऊपर चला जाएगा। अब 1 0 1 0 हमारा खत्म हो गया, 2 से काटते हैं 2 9 18 11, ये 11 खत्म हो गया, 7 9 63 हो गया ऊपर, और नीचे हमारा क्या बचा, नीचे केवल हमारा बचा 5। तो ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा है डिग्री, ये पूरा हमारा किस में चल रहा है डिग्री। तो ये हमारा हो गया 63/5, 63/5 डिग्री। अब 63 में हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 1 5 और 5 9 10, ये यहाँ देखिए ऐसे 63 5, 5 1 5 ये 13 हो गया, 5 9 10 3, तो ये हो जाएगा हमारा 63 12 से ही 3/5, तो 12 तो डिग्री पूरा पूरा हो जाएगा, और प्लस 3/5 डिग्री हमारा किस में आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में जो आता है उसको हम लोग किस में बदल लेते हैं मिनट में, लेकिन उसके लिए क्या यूज करते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 12 डिग्री हमारा पूरा पूरा है, और 3/5 डिग्री को हम लोग जब मिनट में करेंगे तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 3/5 डिग्री बराबर 3/5 × 60 मिनट, तो ये बराबर हो जाएगा 12 डिग्री + 5 12 12 36 मिनट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 12 डिग्री 36 मिनट, सिंपल सिंपल हमारा आंसर हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक वृत्त जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, वृत्त हमारा है उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, इस कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। थोड़ा फिगर वगैरह बनाने से हमारा क्या होता है कि थोड़ा विजुलाइज हो जाता है, पूरा क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आता है, ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हमारा एक वृत्त जिसका व्यास जो है क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा व्यास क्या होता है, ये पूरा लंबाई ये हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, ये पूरा है व्यास 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा व्यास का आधा होता है, तो 20/2 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कि एक जीवा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, जीवा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कि जो है एक जीवा जिसकी 20 सेंटीमीटर लंबाई है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करिए। तो ये हम लोग देखते हैं, जो ये हमारा कोई जीवा हो गया जिसकी लंबाई, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, क्वेश्चन एक बार कंफर्म करते हैं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो 20 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई तो हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5
फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमारा क्या है 40 सेंटीमीटर है, व्यास हमारा क्या है 40 है, ये हमारा क्या है 40 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 40 में 2 से डिवाइड करेंगे ये 20, क्योंकि अगर 20 सेंटीमीटर व्यास होगा तो जीवा जो है हमेशा व्यास से छोटी होती है, इसीलिए थोड़ा लगा कि क्वेश्चन गलत है। तो एक क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है यानी त्रिज्या हमारा 20 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसकी कोई एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये जीवा हमारा हो गया, इसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, के संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसके संगत जो इस जीवा के संगत जो छोटा चाप हो गया हमारा क्या होगा, एक जीवा के संगत दो चाप होता है, एक छोटा चाप एक बड़ा चाप, तो बड़ा वाला चाप ये हो गया और छोटा वाला चाप हमारा क्या है ये, इस छोटे वाले चाप की हमको लंबाई निकालनी है, तो ये हम लोग क्या करते हैं पहले यहाँ से इसको केंद्र से मिला देते हैं, तो अगर हमको इस चाप द्वारा बने कोण को पता चल जाए तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या हम लोग लगा सकते हैं, तो यहाँ से हमारा जो ये पूरा है ये त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ओ इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, तो ए बी हमारा, ए बी जीवा ए बी हमारा क्या है लंबाई 20 सेंटीमीटर, और ओ ए भी हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या है, और OB भी हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, ये दोनों क्यों है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, तो हमारा ये जो ट्रेंगल हो गया, ये ट्रेंगल ये हमारा क्या हो गया जो है समबाहु त्रिभुज हो गया, त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सारी भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई, OA बराबर OB बराबर AB, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, तो समबाहु त्रिभुज की सभी कोण कितने होते हैं बराबर होते हैं, और कितना होता है तीनों कोणों का योग 180, तो समबाहु त्रिभुज में ये बराबर ये भुजा तो ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा और ये कोण भी थीटा, तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होता है 60 डिग्री, यानी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने हो जाते हैं 60 डिग्री, तो अगर हम लोग कोण AOB की बात करें, कोण AOB तो हमारा क्या हो गया 60 डिग्री, बस अब कोण पता चल गया हमारा, ये कोण पता चल गया 60 डिग्री, तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, लेकिन कोण हमारा क्या होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए, तो हमारा कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को अगर हम लोग किसमें बदलना चाहते हैं रेडियन में, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियन में, बदलने के लिए डिग्री को पाई बाई 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई बाई 180 रेडियन, तो ये हो गया हमारा पाई बाई 3 रेडियन, 60 डिग्री हमारा क्या हो गया पाई बाई 3 रेडियन, बस अब सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी जो ये कोण बन रहा है ये कोण बराबर चाप की लंबाई हम लोग एल मान लेते हैं बटा त्रिज्या, तो कोण यानी थीटा बराबर एल बाई आर, तो यहाँ से थीटा हमारा कितना है पाई बाई 3, एल हमको निकालना है और आर हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो एल 3L बराबर हमारा क्या हो गया 20 पाई सेंटीमीटर, तो एल बराबर 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, अब पाई की वैल्यू जो है 22/7 आप रख भी सकते हैं या 3.14 या इतना ही लिखा रहने दीजिए, तो ये हमारा जो चाप की लंबाई L है ये हमारा क्या आ गया 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, क्या था कि जो व्यास है यानी पूरा जो है ये होता है ये 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है के संगत छोटे चाप की लंबाई, यानी किसी भी जीवा के संगत दो चाप होते हैं, ये बड़ा चाप हो गया और ये छोटा चाप इसकी लंबाई, तो इस चाप द्वारा हम लोग जानना चाहते हैं कि वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बन रहा है, तो अगर कोण पता चल जाएगा तो कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, तो कोण हम लोग निकालने के लिए क्या किया ये 20 सेंटीमीटर है ये भी 20 सेंटीमीटर ये भी, तो इससे पता चला ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं 60 डिग्री, तो ये कोण पता चल गया 60 डिग्री, और रेडियन में बदल लेते हैं, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 डिग्री हो गया 60 गुणे पाई बटा 180 रेडियन,
तो ये हो गया पाई बाई थ्री रेडियन। फिर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, लेकिन कोण में जो हमारा ये जब फार्मूला लगाते हैं तो ये किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो कोण हमारा क्या आ गया, पाई बाई थ्री बराबर एल हमारा चाप है और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। यहाँ से तिरछा गुणा किए, 3L = 20 पाई सेंटीमीटर, एल बराबर 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया।